हेलो दोस्तों, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग? भोलेनाथ की कृपा से आप सभी स्वस्थ मस्त होंगे। आप स्वस्थ मस्त होंगे पर हम बिल्कुल स्वस्थ नहीं हैं और मस्त भी नहीं हैं और व्यस्त हैं। और मेरा बन चुका है खाना, मैं कर रही हूँ ब्लॉगिंग स्टार्ट अभी दिन के टाइम पे। तो मैंने बनाई आज कढ़ी और चावल। तो कढ़ी बनाई आज मैंने लस्सी की। तो यहाँ पे अंकल जी देके चले गए थे लस्सी, सरदार अंकल जी। यहाँ लस्सी पैकेट में तो आती नहीं क्योंकि सब के घर में अपनी गाय भैंसे हैं, तो वही देके गए हैं लस्सी। और ये बाकी की लस्सी मैं कल पीऊँगी। आधी मैंने इसकी छाछ बना ली। और ये लोग ना, हम लोग गढ़वाल में वैसे छाछ पीते हैं, मतलब बिल्कुल सॉफ्ट दूध जैसी होती है जो नमक डाल के। और ये ना काफ़ी इसमें थोड़ा खटास ज़्यादा होती है लेकिन पीने में अच्छी होती है। जैसे इसमें चीनी वगैरह डाल के पियो ना अच्छी लगती है मुझे तो। लेकिन कढ़ी बनाने के लिए अगर इसको ज़्यादा इस्तेमाल करें तो बहुत खट्टी खट्टी बनती है कढ़ी, तो ज़्यादा खट्टी मुझे पसंद नहीं है। तो मैंने कम यूज़ कराया, इतना देखो इतना यूज़ कराया है। थोड़ा बनाऊँ कल का झुमरिया का पड़े, मेरे पास झुमरिया पड़े हुए हैं कब से, और छाछ मिलती है नहीं और दही का उतना अच्छा नहीं लगता मुझे, काफ़ी दही लगती है मतलब और छाछ कम लगती है। तो तबीयत हो रही है थोड़ी अजीब सी, ड्राई कफ हो रहा है मुझे, तो जुकाम नहीं है, थोड़ा अजीब सा हो रहा है। और साथ ही साथ बच्चों को हो चुका है आई फ्लू, जो आजकल वायरल ट्रेंडिंग चल रहा है। तो ये भी आज घर पे पड़े हुए हैं, देखो दोनों के दोनों घर पे पड़े हुए हैं। और इनके लिए मैं दवाई लेके आई हूँ। नॉर्मली है थोड़ा सा इचिंग और बस इचिंग हो रहा है, आँखें लाल हो रही हैं, बाकी तो कुछ इतना खास है नहीं। और ड्रॉप डाल के काफ़ी कम हो गया है। और मुझे भी आज अपनी आँखें थोड़ी ऐसी लग रही थी जैसे खुजली हो रही होगी, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि बिल्कुल गंदे हाथ तो बिल्कुल आँखों पे ऐसे मलने ही नहीं है और बार बार हाथ धोने पड़ रहे हैं। तो मतलब फिर से मुझे सैनिटाइज़र लाना पड़ेगा और सैनिटाइज़र हो गया घर में ख़त्म। तो कल लेके आऊँगी, कल मार्केट से सैनिटाइज़र लेके आऊँगी। तो बच्चों ने आज सुबह से ना फ़ोन और टीवी दोनों नहीं देखा है क्योंकि मैंने इनको मना करा कि ऐसे में आँखों पर जोर पड़ेगा ना। तो सुबह से इन्होंने टीवी और फ़ोन बिल्कुल नहीं देखा है। और ये देखो ये ड्राइंग करने पर लगे कल से, ये दोनों अपना टाइम पास कर रहे हैं। और इन्होंने कमरे की हालत क्या बना रखी है ये देखो। तो ये है कमरा, मेरे बच्चों ने इस तरीके से बना रखी है कमरे की हालत। चलो कोई बात नहीं, अब घर पे हैं तो क्या करना है, इन्होंने गदर तो मचाते ही हैं बच्चे। तो कुकू की आइज कल बहुत ज़्यादा लाल थी बट अभी ठीक है। बट क्या है ये देखो ऊपर अपर साइड में ना ये ब्लड का थोड़ा सा थक्का जैसा है। तो अभी काफ़ी अभी है, ये देखो इतनी भयंकर छी मत दिखा छी, तो इतनी भयंकर हो रही थी आंखें, लेकिन ऊपर की साइड हो रखी है। और बार बार हम फ्रिज में रखा हुआ ठंडा ठंडा पानी से छींटे मार रहे हैं और ड्रॉप डाल रहे हैं बस। और बाकी अभी खाने में ज़्यादा तला भुना और मिर्च मसाले कम। चलो बेटा मुँह नहीं आँख खोलो खोलो ढंग से खोल, जैसे पिक्चर देखने को खोलता है। खोल 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 गुड। हाँ तुझे फील नहीं हुआ? खोल ले आँख का ये गई ना। हाँ भाई दूसरा मरीज गई। तो अब आदित्य राम की बारी है। क्या है इस आँख में? दोनों आँख में तो है, दोनों आँख में है तो एक आँख में होता है। एक आँख पर ऊन कोई आँख खोल भाई, आंख खोलने में कितना डरता। जब अल्लू अर्जुन की पिक्चर आती तब तो आंखें बड़ी बड़ी करके देखता है। दूसरी भी खोल लो भाई, खोल लो जल्दी। कौन? मैं कहीं नहीं, आज आदर्श भी सो गया और कुकू तो सोता ही है दिन में और मैं भी सो के उठ गई हूँ। और आज आदर्श दूध के लिए नहीं जा रहा है क्योंकि जब भी वो सो के उठता है वो बिल्कुल सुस्त हो जाता है और मैं भी सुस्त हो रही हूँ, मेरा भी मन नहीं किया। तो आज दूध मना कर दिया मैंने, आज हम दूध लेके नहीं आ रहे हैं। दूध बचा हुआ है घर में वैसे भी, और मन इसलिए नहीं कर रहा जाने का कि मेरी आँखों में भी थोड़ा अजीब अजीब सा फील हो रहा है और मैं भी लगी हुई हूँ अपनी आँखों को धोने में ठंडे ठंडे पानी से। और ठंडे पानी से काफ़ी अच्छा लग रहा है, रिलैक्स मिल रहा है आँखों को। फिर उसके बाद अजीब सा ऐसा लग रहा है जैसे कि आँखों में कुछ खुरदुरा जा रखा होगा, इस टाइप से जाला जाला लगा होगा। तो बहुत गंदी फीलिंग आ रही है इस आई फ्लू की, और मेरा तो इसके कारण सर भी भारी हो रहा है। बच्चे तो ठीक है लेकिन मुझे ज़्यादा अजीब लग रहा है। तो आज आदर्श दूध के लिए नहीं जा रहा है। और तो घर से बाहर तो हमने कहीं जाना है नहीं,
आँखों को हो रखा है इन्फेक्शन। कल भी बच्चे घर पे थे, कल शाम को भी, और आज तो घर पे रहना ही है। क्या हो गया, सही हो गई? सही वाली सही हो गई, पिंक हो गई। ये किसने काटा? काटा मच्छर नहीं, पता नहीं क्यों। कपड़े पहन ना, फुल स्लीव्स पहन। तो इधर उधर नहीं भेजा मैंने बच्चों को, और आज तो मैं भी नहीं जाऊँगी, तो दूसरों को इन्फेक्शन होने का डर होता है, तो इसलिए बैठे रहेंगे घर पे, और घर पे ही अपनी छत में बैठे रहेंगे। और आज बहुत बोरियत आने वाली है शाम को। तो मेरी आँखें ज़्यादा लाल तो नहीं हुई, लेकिन थोड़ा सा अजीब सी फीलिंग आ रही है, बहुत गंदी वाली। मन कर रहा है कि आँखें निकाल के रख दूँ। तो आदर्श की आँखें तो काफ़ी सही हो गई हैं, और आदित्य की भी। और अब मेरी बारी है दोस्तों। और ये जो मैंने प्लांट्स लगाए थे, तो इन्होंने अपनी पकड़ बना ली है, और ये ठीक ठाक से हो गए हैं। और मैंने साथ ही साथ इन पे वाइट वाइट डॉट भी कर दिए हैं, तो ब्लैक बिल्कुल दिख नहीं रहा था, वाइट डॉट कर दिए, अच्छे लग रहे हैं। तो शाम हो चुकी है दोस्तों, हम छत में बैठ के खा रहे हैं ठंडी ठंडी हवा। और नीचे देखो, खेत में आया हुआ है मोर। आजकल कीड़े मकोड़े बहुत होते हैं, तो मोर देखो खेत में आराम से कीड़े मकोड़े खा रहा है अपनी फैमिली के साथ। और इतना प्यारा लग रहा है ना ये देखने में, तो कैमरे में कम आ रहा है। और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, बारिश आने के आसार भी लग रहे हैं। तो आजकल अचानक से आ ही रही है बारिश, और मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है। लेंथ ज्यादा है, इतनी आती है दस की। बच्चे भी लेते हैं। आपकी कौन सी है? मेरी कौन सी है? तेरी है। हमारे टाइम पे एक रुपए की आती थी पेंसिल। तो इस पर बिस्किट कैसे डूबा हुआ है? बिस्किट मेरे हाथ से गिर गया उसमें। हमारे टाइम पे एक रुपए की पेंसिल आती थी, और आजकल बच्चों के टाइम पे हो गई 5 रुपए की एक। ओम ही आ रखा गेट पे, कह रहा है कि गेट खोलो, और पेंसिल का लालच दे रहा है मुझे कि पेंसिल तुम रख लो और गेट खोल दो, मुझे ऊपर आने दो। ओमी ओमी पेंसिल देगा? मैं तो बहुत चालाक हूं। अंदर आने वाला छीन ले। तो दोस्तों खाना बना चुकी हूँ मैं, और बच्चे चले गए हैं टीवी देखने। तो सारे दिन भर तो उन्होंने कंट्रोल कर लिया था, लेकिन रात को वो चले गए हैं। और अब चल रही है हमारी मूवी। और मेरी आंखें देखो, मेरी आंखें भी थोड़ी बहुत पिंक पिंक हो गई है। और बच्चों ने पता नहीं कैसे सहन कर लिया, मुझसे तो बिल्कुल सहन नहीं हो रहा है। खुजली भी हो रही है आँखों में, मन कर रहा है कि आँखें निकाल के ब्रश से ज़ोर से रगड़ लूँ, इतनी खुजली हो रही है। लेकिन हाथ लगाने को बिल्कुल मना कराया डॉक्टर ने, और बार बार दिन भर में 6-7 बार हैंड वॉश करके, और बिल्कुल अपने लिए एकदम साफ कपड़ा इस तरीके से गमछा लेकर, इस तरीके से अगर इचिंग हो रही तब जाके मैं रगड़ रही हूँ। और मेरा तो आँख के साथ सिर दर्द भी हो रहा है, बच्चों ने पता नहीं कैसे सह लिया, तो मुझे तो बहुत दिक्कत हो रही है। और आँखों में इतनी जलन हो रही है, और ठंडे पानी से धो के भी आराम तो मिल रहा है, लेकिन कब तक धोते रहें। तो अभी डालेंगे फिर से ड्रॉप, और आँखों के आगे ऐसा लग रहा है ना, आँखों के आगे ऐसा लग रहा है जैसे कि मकड़ी के जाले लगे होंगे, तो अच्छे से विजिबल भी नहीं हो रहा है, इस तरीके से आँखें कर रहे हैं, तो धुंधला धुंधला और बहुत ही गंदी फीलिंग है। तो देखती हूँ मैं खाना, और मुझे तो बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है, मुंडा रहेगा क्या होगा दगड़ू। तो यहाँ चल रही है मूवी थलापति विजय की थेरी। बेचारे सुबह से इनकी आंखों ने टीवी नहीं देखी। चलिए मैं लगाती हूँ उनके लिए खाना। मैं आ गई हूँ अपने शयन कक्ष में, पानी की छींटे मार लिए मैंने, ठंडे ठंडे पानी की छींटे, और पानी की छींटे मार के बहुत आराम मिल रहा है आंखों को। तो ऐसा लग रहा है आंखों को बुखार आ रखा हुआ, और इसमें ठंडी ठंडी पट्टियाँ लगा दी मैंने, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और अब डालने वाली हूँ मैं ड्रॉप, बच्चे देख रहे हैं अभी टीवी।
बच्चे देख रहे हैं थलापति विजय की मूवी और मैं ले आती हूँ ड्रॉप। बारिश भी अचानक से आ रही है और एकदम से गायब हो जा रही है, दड़मड़ 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 कर आ रही है और इसके बाद एकदम शांत हो जा रहा है माहौल। कई लोग कह रहे हैं कि चश्मे पहनो, चश्मे से प्रोटेक्शन होगा आंखों को, बट ऐसा कुछ नहीं है। चश्मा तो सिर्फ इसलिए है कि दूसरे को आपकी आईज मतलब थोड़ा ऑड ना लगे, अजीब से ना लगे, थोड़ा आईज इतनी ड्रावनी हो रही जैसे ड्रगना होगा खड़ा सामने। और चश्मों से कुछ नहीं हो रहा है। हाँ ये है कि धूप में अगर आप निकल रहे हैं और धूल मिट्टी से बचाने के लिए चश्मा लगाना ठीक है, क्योंकि जितना हो सके इन्फेक्शन को रोकना है तो धूल मिट्टी और धूप से बचाने के लिए चश्मा पहन सकते हैं जिसको पहनना है जो बाहर जा रहा है। और मतलब मेन वही है कि धूप और धूल से बचाने के लिए चश्मा पहनना बहुत ज़रूरी है। बाकी इस बीमारी के लिए कोई स्पेशल चश्मा होगा तो वो तो मुझे पता नहीं है दोस्तों। मैंने तो अपने बच्चों को नॉर्मल जो घर में सनग्लासेस पड़े हुए थे वही पहना दिए थे, तो कुछ हाइजीनिक या फिर कुछ अलग टाइप का चश्मा आया होगा तो आ भी सकता है। जब सैनिटाइज़र चल सकता है कोरोना में तो चश्मा तो ज़रूर बिकेगा, और अब चश्मों की खूब बिक्री होने वाली है। ये सिर्फ इन्फेक्शन से हो रहा है कि अब जैसे कि अब उस इंसान का टावल और सब कुछ चीज़ों पर छूना वगैरह, जिस इंसान को आई फ्लू है ना तो उसको तो मतलब अलग कमरे में रख जाके शायद नहीं फैलेगा, वरना अगर वो सब जगह छू रहा है, अपनी आँखें भी खुजला रहा है, सब जगह छू रहा है, और टावल अगर आप शेयर कर रहे हो और सारी चीज़ें घर की बर्तन वगैरह हैंडल वगैरह सब जगह छुएगा तो इन्फेक्शन तो पक्का होगा। तो बड़े तो अलग रह सकते हैं, केयर कर सकते हैं, लेकिन बच्चे कहाँ करते हैं, ना बच्चे अकेले सो सकते हैं और ना रह सकते हैं बच्चों के साथ, तो और भी ज़्यादा इन्फेक्शन होने का डर रहता है। तो चलिए कोई बात नहीं, ये तो छोटा सा इन्फेक्शन है लेकिन मुझे तो बहुत ही ज़्यादा बेकार लग रहा है, और भगवान ना करे किसी को हो। तो फिर से सैनिटाइज़र, और सैनिटाइज़र के साथ इस बार मास्क नहीं, इस बार ख़रीदे जाएंगे चश्मे, तो चश्मों की बहुत ही ज़बरदस्त बिक्री होने वाली है। तो दोस्तों मैंने लगा ली है अपनी ट्यूब जो मैं लेके आई हूँ, मैं कभी लगा लेती हूँ कभी मैं भूल जाती हूँ। तो अभी क्या है ना, सुबह से आज मैं मुँह ही धोने पे लगी हूँ आँख के कारण, ठंडा ठंडा पानी डाल रही हूँ तो मुझे याद आ गया मैंने लगा ली, वरना मैं लेके रख देती हूँ ऐसे। सो गाइस ब्लॉग करते हैं यहीं पर एंड, और करते हैं अपनी आँखों को रिलैक्स, आराम देते हैं, ब्लॉग करते हैं यहीं पर एंड, और आप लोगों को मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आपका टटअप बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय।